यह अविस्मरणीय है, यह अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ये असम है। आसमान में गूंजती ढोल पेपा और गोगोना, इसकी आवाज आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये परिश्रम, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ऐसे असम बोलेंगे। आज वाकई असम ए वन प्रदेश बन रहा है। मैं असम के लोगों को, देश के लोगों को बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी पंजाब सहित उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में बैसाखी की भी रौनक है। बांग्ला बहन भाई पोइला बैशाख मना रहे हैं, तो केरल में विशु पर्व मनाया जाएगा। ये अनेक राज्यों में नए साल की शुरुआत का समय है। जो उत्सव हम मना रहे हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। ये उत्सव सबके प्रयास से विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, आज इसी भावना से असम के नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का यहां शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज असम को, नॉर्थ ईस्ट को एम्स गुवाहाटी का और तीन नए मेडिकल कॉलेज का उपहार मिला है। आज नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से जड़े, उससे जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। आज ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला संस्कृति परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी आज शुरू हुआ है। संस्कृति और तेज विकास का जो ये उत्सव हम सभी मना रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई।